बीएससी सेकेंड ईयर अलजेब्रा का हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस में सबसे पहले हम वेक्टर स्पेस की डिफिनेशन देखेंगे। देखो इसमें बहुत सारी थ्योरी हैं, तो मैं हर एक थ्योरी को कोशिश करूंगा कि एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले हम वेक्टर स्पेस की डिफिनेशन देखेंगे। मैं अभी आपको डायरेक्ट डिफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मानो हमारे पास एक सेट भी है, और सेट है तो इसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा, क्योंकि सेट में क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो मैंने सपोज कर लिया इसमें एलिमेंट है अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री, शो ऑन अल्फ़ा एन तक। तो जो इस सेट में एलिमेंट्स है उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर्स बोलेंगे, वेक्टर्स। ऐसे ही हमारे पास क्या है, फील्ड है एफ है, उसमें क्या है, एलिमेंट हैं ए वन, ए टू, ए थ्री, शो ऑन ए एन। तो इसके जो एलिमेंट हैं उसको हम स्केलर्स बोलेंगे, स्केलर्स। तो भी जो है एक वेक्टर स्पेस होगा, भी जो है एक वेक्टर स्पेस होगा या लीनियर स्पेस होगा, या लीनियर वेक्टर स्पेस होगा, सब नाम एक ही है, स्पेस होगा अगर ये फील्ड एफ पर, ठीक है, यदि फील्ड एफ पर कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या है, यानी वो प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो पहला वो कंडीशन है, ये जो भी है कब फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस होगा उसके लिए फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, भी प्लस इज ए अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन प्लस के रिस्पेक्ट में। यानी मैं आपको अभी इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है इस बारे में बता दूंगा कि इंटरनल कंपोजिशन कहते किसे हैं। यानी जो भी है वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होगा इंटरनल कंपोजिशन प्लस के रिस्पेक्ट में। तो सेकंड क्या कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है भी ऑफ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन आप लिख लेना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंपोजिशन डॉट। तो देखो इंटरनल कंपोजिशन डॉट, देखो कहना क्या जा रहा है, अगर हम एक फील्ड से एलिमेंट क्या लें, एक फील्ड हमने क्या माना है, ए वन एलिमेंट लें, ठीक है, और एक क्या करें, एक हम जो वेक्टर है वो जो वी से एक एलिमेंट लें, यानी एक एलिमेंट ले लेता हूँ अल्फ़ा वन। तो अगर हम इसको इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो एक किसका एलिमेंट आना चाहिए, यानी इस वी का एलिमेंट आना चाहिए, यानी इस भी का, यानी कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि अगर हम किसी फील्ड का एक एलिमेंट लें और एक इस भी का एलिमेंट लें तो ये एलिमेंट किसका होगा, वो एलिमेंट इसका होगा, यानी इस भी का एलिमेंट आएगा। तो देखो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, थर्ड कंडीशन पर जाने से पहले यहाँ पे जो आपका आया है इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन, ये होता क्या है, देखो मैं इधर आपको समझाता हूँ। अगर हमारे पास देखो दो सेट्स हैं यम एन, ये अलग अलग सेट्स हैं, ठीक है, इस पर क्या है प्लस ऑपरेशन डिफाइंड है, ठीक है, और इस पर क्या है प्लस और डॉट ऑपरेशन डिफाइंड है,
तो देखो मैं सपोज कर ले रहा हूँ जो यम आपका सेट है, एक यम सेट है और यन सेट है। तो मैं फिर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मैं सपोज कर लेता हूँ यम में जो सेट है इसमें क्या है, एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई, मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस सेट के जो आपका सेट है जो प्लस के यम जो सेट है वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है, एक अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं इस सेट्स के, अभी तो इसको एक्सटर्नल कंपोजिशन को अभी हटाते हैं, पहले तो इंटरनल देख रहे हैं, ठीक है, ये इंटरनल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। तो किसी इस सेट के किसी दो एलिमेंट को लें, यानी मैंने क्या लिया, ए और बी को लिया, ठीक है, ए और बी को लिया। तो अगर हम इस पर प्लस ऑपरेशन लगा दें तो क्या मिल जाना चाहिए, अगर मैं इस पे प्लस ऑपरेशन लगाता हूँ तो अगर ये इसी सेट का एलिमेंट मिल जाता है यानी सी मिल जाता है, तो इस प्लस को हम बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन है सेट यम के लिए। प्लस को क्या बोलेंगे, इंटरनल कंपोजिशन सेट यम के लिए। तो देखिए एक और भाषा में मैं आपको बताता हूँ, ये जो सेट है इंटरनल कंपोजिशन होता क्या है, इसी सेट के किसी दो एलिमेंट को ले लो और उसको ऑपरेट कर दो, यानी प्लस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसी सेट का एलिमेंट मिलना चाहिए, जैसे देखो हमने इसका दो एलिमेंट लिया है ए और बी और प्लस ऑपरेटर लगाया है, ऑपरेशन लगाया है, तो इसी सेट का एलिमेंट मिला है। तो प्लस को क्या हम बोलेंगे, इंटरनल कंपोजिशन सेट एम के लिए। अब हम बात करेंगे, ये तो इंटरनल कंपोजिशन हो गया, इंटरनल कंपोजिशन, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन की, कि एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है। तो मान लो एक सेट यन है, ठीक है, और इस पर क्या है, प्लस और डॉट दोनों ऑपरेशन डिफाइंड है, ठीक है, यानी ये प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में क्या है, एक अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है। तो मैं यन जो सेट है इसमें भी कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे यन इसमें क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री शो वन एक्स एन, ठीक है, इसमें इतना एलिमेंट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो फिर मैं इंटरनल कंपोजिशन में जाता हूँ। अगर मैं इस सेट का एक एलिमेंट लेता हूँ ए, ठीक है, और फिर इस सेट का एक एलिमेंट लेता हूँ एक्स वन और इस पे मैं डॉट ऑपरेशन लगाता हूँ, तो क्या आना चाहिए, ये एक इसी का एलिमेंट अगर आ जाए, यानी क्या आ जाए, डी आ जाए, ठीक है। तो हम डॉट को क्या बोलेंगे, ये जो डॉट है इसको बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन किसके लिए, सेट एन के लिए, ठीक है। मतलब मैं एक बार और बताता हूँ, देखो एक्सटर्नल कंपोजिशन होता क्या है, एक जो है यम में से एक नंबर लेंगे, जो सेट यम है उसमें से किसी एक संख्या को मैंने लिया, ठीक है, और फिर ये यन में से जो एलिमेंट है, यन सेट का जो एलिमेंट है उसमें से किसी एक एलिमेंट को लिया और डॉट ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। तो एलिमेंट अगर इसका मिल जाए, यानी इस यम सेट का मिल जाए इसमें का, तो हम इस डॉट को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन एन के लिए, ठीक है। तो ये तो रहा आपका इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन। आई होप आपको ईजिली समझ आ गया होगा, ठीक है, कि इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन होता क्या है। अब हम इसके बाद से ये वेक्टर स्पेस होने के लिए, ये तो दो कंडीशन हुई, ठीक है, अभी हमारा वेक्टर स्पेस हुआ नहीं है, क्योंकि जब ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी ये भी को हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और तीसरा कंडीशन लिखता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इधर से नोट कर सकते हो, तीसरी कंडीशन है वी प्लस डॉट सेटिस्फाई, क्या क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, इसमें सब इंटरवल फर्स्ट है, ए स्केलर मल्टीप्लाई बाई अल्फा, तो ये किस में बिलोंग करेगा, ये भी में बिलोंग करेगा, यानी किसी भी फील्ड के एलिमेंट, फील्ड आप किसी भी फील्ड का एलिमेंट एक लोगे और एक इस भी का एलिमेंट लोगे तो ये किस में आएगा, भी में आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए, इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं सेकेंड कंडीशन को, ए
अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा, ए अल्फा प्लस ए बीटा फॉर ऑल, इधर मैं लिखता हूँ फॉर ऑल ए स्केलर बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल अल्फा कामा बीटा बिलोंग्स टू वी, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, इसको हम देखो, मैंने पहले ही बताया, इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं, यानी वेक्टर स्पेस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड होता है, ठीक है। तो थर्ड है ए प्लस बी अल्फा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी अल्फा, यहाँ पे क्या होगा, फॉर ऑल ए कामी बिलोंग्स टू ए, और बी दोनों स्केलर हैं जो किस में होंगे, फील्ड के एलिमेंट होंगे, ठीक है। और फॉर ऑल अल्फा जो है किस में होगा, बी में होगा, ठीक है। फोर्थ है ए बी अल्फा इक्वल टू ए बी अल्फा, एक कम्यूटेटिव है स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, ये जो है स्केलर का जब भी हम ये वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो फिफ्थ है वन डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल वन, वन किस में होगा, फील्ड का एलिमेंट होगा एफ, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी, यहाँ पे क्या है ए कॉमा बी यानी दोनों स्क्वेलर हो तो एफ में होगा, और ये अल्फा किस में होगा, जानते ही हो बी में होगा क्योंकि वो एक वेक्टर है, ठीक है। तो अगर देखो ये सारी कोई भी सेट, मान लो अगर भी की बात कर रहे हैं तो ये जो भी सेट है, अगर फील्ड के एलिमेंट के लिए, मैंने क्या बोला, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, अगर ये जो भी है, एक जो सेट है भी, वो फील्ड के एलिमेंट के लिए सारी कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वेक्टर स्पेस होता क्या है, ठीक है, मैंने वो और कौन सी कंडीशन होती है उसके लिए। अब हम मूव करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। आप नोट कर लो इसको, तो लिखो अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। देखो माना हमारे पास VF एक वेक्टर स्पेस है, क्या है VF जो है एक वेक्टर स्पेस है, और इस भी में क्या है, एक जीरो वेक्टर है जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो जीरो वेक्टर है, ठीक है, ऐसे भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और जीरो बार से भी, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो, और इसमें एक जीरो स्केलर भी है, ठीक है। जीरो स्केलर क्या है, जो एफ में है, ठीक है, फील्ड में है, एफ में है, और ये किस में है, वी में है, वी में है। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टीज मैं लिखता हूँ, ए स्केलर मल्टीप्लाई विथ जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, फॉर ऑल स्केलर ए बिलोंग्स टू एफ। तो इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ए स्केलर का जीरो वेक्टर में मल्टीप्लाई हुआ है, क्या हुआ है, ए स्केलर का जीरो वेक्टर में मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम जीरो वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आप जानते हो जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर। अब देखो इसमें क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है स्केलर ए का, ठीक है, तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इक्वल टू ए जीरो वेक्टर। अब आप, अभी मैं पढ़ा रहा था आपको, जब वेक्टर स्पेस की डिफिनेशन बता रहा था तो उसमें बताया था जो वेक्टर स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड होता है, तो इस पर तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेक्टर स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड होता है। तो देखो क्या मिलेगा, ए जीरो वेक्टर प्लस ए जीरो वेक्टर इक्वल टू ए जीरो वेक्टर, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लेना बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ए जीरो वेक्टर, ए जीरो वेक्टर इक्वल टू ए जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे देखो मैंने ए जीरो वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड कर दिया है, यानी जब भी आप, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ,
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जब भी आप किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करते हैं तो हमें वही वेक्टर मिल जाता है, वही वेक्टर मिल जाता है। तो इसमें अगर आप जीरो वेक्टर ऐड करोगे तो फिर यही वेक्टर मिलेगा। देखो मैंने लिख दिया है, अगर बोलने से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने लिख दिया है कि इसमें ऐड करेंगे यानी किसी भी वेक्टर में हम जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो वही वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये नीचे वाली लाइन जो लिखा हूँ इसमें देखो, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लग रहा है। जब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाओगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, ए जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। देखो ऊपर यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टीज पे मूव कर रहे हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टीज पे हम मूव कर रहे हैं। अब जीरो स्केलर अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी, यानी जो अल्फा आपका है कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है, जो कि किसका एलिमेंट है, वी का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, जीरो स्केलर में एक वेक्टर जो नॉन जीरो वेक्टर है अल्फा, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है। किसमें हो रहा है, जीरो स्केलर में। तो अब हम जीरो स्केलर से स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। प्रूफ, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू क्या होता है, जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो अल्फा नॉन जीरो वेक्टर है वो किधर से मल्टीप्लाई हुआ है, राइट साइड से मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम करते हैं राइट साइड से मल्टीप्लाई, जीरो प्लस जीरो अल्फा इक्वल टू जीरो अल्फा। अब देखो अल्फा का, ठीक है, अल्फा जो वेक्टर आपका है वो किसी भी स्केलर के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करता है, ठीक है। तो उसको देखो क्या मिल जाएगा आपको, जीरो अल्फा प्लस जीरो अल्फा इक्वल टू जीरो अल्फा बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लिख लेना आप बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, कंप्लीट कर लेना बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फिर अगला स्टेप क्या होगा, जीरो अल्फा प्लस जीरो अल्फा इक्वल टू जीरो अल्फा प्लस जीरो वेक्टर। अब देखो मैंने क्या, मैं बोलूँ ये लाइन और ऊपर वाली लाइन दोनों सेम है, ठीक है। क्यों सेम है, अभी मैंने बताया था किसी भी वेक्टर में अगर हम जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो वही वेक्टर मिल जाएगा, यानी इसमें हमने क्या किया, जीरो वेक्टर को ऐड किया तो यही वेक्टर तो मिल जाएगा, यानी इस लाइन और इस लाइन में कोई अंतर नहीं है। किस लिए हमने किया, देखो यहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगला है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हमें मिल जाएगा, जीरो अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो जीरो अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, LCL, ठीक है। नोट करो आप, मैं फिर अगला डिस्कस करता हूँ, अगली प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी है ए माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा फॉर ऑल स्केलर ए बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल अल्फा नॉन जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू वी। तो इसका देखो हम प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ यहाँ पे जो स्केलर ए है उसका मल्टीप्लाई किस में हुआ है, अल्फा में, ठीक है। यानी ए स्केलर का हम मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, अल्फा वेक्टर में कर रहे हैं, यानी क्या कौन सा वेक्टर है, ए नॉन जीरो वेक्टर, एक अल्फा है जो किसका एलिमेंट है, वी का। तो हम इसका प्रूफ देखो कैसे करेंगे, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर में हम अगर उसी वेक्टर का इनवर्स लेकर ऐड करते हैं, किसी भी वेक्टर में हम उसी का इनवर्स ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीरो वेक्टर मिलता है, ठीक है। अगर मान लो क्या था, मैं थोड़ा और समझाता हूँ आपको, मान लो अल्फा वेक्टर था, मैं इसी का इनवर्स ले लेता हूँ और इसमें ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर, बस कुछ भी रहे वेक्टर, कुछ भी वेक्टर रहे आप उसका अगर उसी का इनवर्स ले लोगे तो आपको जीरो वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो यहाँ से किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर का, ठीक है। तो अब मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ,
ए अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू ए जीरो वेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड होगा, तो क्या हो मिल जाएगा आपको, ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा इक्वल टू ए जीरो वेक्टर। अभी जब पहली प्रॉपर्टीज मैं प्रूफ कर रहा था तो ए जीरो वेक्टर इक्वल टू क्या होता था, स्केलर ए जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो इसकी जगह पे मैं जीरो वेक्टर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ माइनस ए अल्फा को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस जीरो वेक्टर, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, अगर किसी भी वेक्टर में हम उसी वेक्टर का इन्वर्स लेकर ऐड करते हैं, फिर मैं लिख रहा हूँ, देखो अगर मान लो हमारे पास अल्फा वेक्टर है, मैं इसी का इन्वर्स ले लेता हूँ और ऐड करता हूँ, तो क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर। तो यहाँ देखो माइनस ए अल्फा है प्लस ए अल्फा है, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, जीरो वेक्टर मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, जीरो वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, प्लस ए माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, ध्यान दो, ये वेक्टर है, इसमें हम जीरो वेक्टर ऐड कर रहे हैं। तो मैंने बताया था किसी भी वेक्टर में अगर आप जीरो वेक्टर को ऐड करोगे तो वापस से वही वेक्टर मिल जाएगा, तो वही मैंने लिख दिया है। तो इसमें भी देखो ये भी एक वेक्टर है, जीरो वेक्टर ऐड करोगे तो वापस से वही वेक्टर मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा फाइनली, ए माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा। यही तो प्रूफ करना था आपको, देखो कंडीशन देख लो मैं इधर इरेज कर रहा हूँ और फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो फोर्थ प्रॉपर्टीज है माइनस ए अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्केलर ए में वेक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस स्केलर ए में इस वेक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है। अल्फा क्या है, वी का एलिमेंट है और एक ये वेक्टर है, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है। तो हम किससे करेंगे, क्योंकि अल्फा का मल्टीप्लाई ए में हो रहा है, तो हम ए से शुरू करेंगे, ए स्केलर से शुरू करेंगे। तो मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूँ, प्रूफ ए प्लस माइनस ए क्या होगा, जीरो। ये तो आप जानते हो वेक्टर की कंडीशन में ना, जब हम किसी वेक्टर को लेते थे उसमें उसी वेक्टर का इन्वर्स ऐड करते थे तब तो जीरो वेक्टर मिलता था। ये वेक्टर था, ये पूरा स्केलर है, तो जब ये पूरा स्केलर है तो स्केलर ही तो मिलेगा, जीरो स्केलर मिलेगा। यहाँ पे दोनों वेक्टर था तो वेक्टर मिल रहा था, ठीक है। तो ये आप समझ रहे होंगे, मैं छोटी छोटी चीज़ें इसीलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ राइट हैंड साइड से ये वेक्टर अल्फ़ा का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो ए प्लस माइनस ए और ये राइट हैंड से अल्फ़ा का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो वेक्टर स्पेस में क्या होता है, किसी भी वेक्टर का स्केलर के ऊपर, ए जो है स्केलर है, स्केलर के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड होता है, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा, ए अल्फ़ा प्लस माइनस ए अल्फा माइनस ए अल्फा इक्वल टू जीरो अल्फा। यहाँ देखो जीरो अल्फा अभी सेकेंड प्रॉपर्टीज मैंने प्रूफ करके आया है, तो जीरो स्केलर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, जीरो वेक्टर, सेकेंड प्रॉपर्टीज आप बैक करके देख सकते हो सेकेंड प्रॉपर्टी। तो इसकी जगह पे मैं जीरो वेक्टर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो लिख रहा हूँ ए अल्फा प्लस माइनस ए अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर, सेकेंड प्रॉपर्टी से मैं लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बाई सेकेंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, बाई सेकेंड प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखो अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, माइनस ए अल्फ़ा को ऐड करता हूँ, तो माइनस ए अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा प्लस माइनस ए अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा प्लस जीरो वेक्टर। तो यहाँ से देखो
किसी भी वेक्टर में हम उसी वेक्टर का इन्वर्स एड करते हैं तो क्या मिलता है, जीरो वेक्टर मिलता है। तो इसकी जगह तो जीरो वेक्टर, क्योंकि एक मान लो वेक्टर है और इसी का इन्वर्स हम एड कर रहे हैं तो जीरो वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, माइनस ए अल्फ़ा इक्वल टू, अब एक किसी भी वेक्टर में हम जीरो वेक्टर एड करते हैं तो वापस से हमें जीरो वेक्टर मिलता है, वो मैं लिखवा चुका हूँ। अंत में भी मैं लैंग्वेज के रूप में लिखवा दूंगा, सॉरी, यहाँ पे किसी भी वेक्टर में हम जीरो वेक्टर एड करते हैं तो वही वेक्टर मिलता है, यानी माइनस ए अल्फ़ा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी ये वेक्टर है, जीरो वेक्टर एड करेंगे तो यही मिलेगा, यही वेक्टर मिलेगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाएगा, माइनस ए माइनस ए अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा। यही तो देखो, यही कंडीशन तो लाना था। ठीक है, और अब जो है साइड में आप लिखो, मैं लिखवाता हूँ लैंग्वेज के रूप में, लिखो आप हिंदी में ही लिख लो। लिखो किसी भी वेक्टर में, मैं इस पे नहीं लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, किसी भी वेक्टर में अगर आप जीरो वेक्टर को ऐड करोगे तो वापस से वही वेक्टर मिलेगा। ठीक है, और किसी भी वेक्टर में अगर आप उसी वेक्टर का इन्वर्स ले लोगे तो वापस से क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर। ठीक है, जैसे मैं ये सब उसमें कर करके बताया हूँ। ठीक है, तो अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, ए अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू ए अल्फ़ा माइनस ए बीटा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू भी, यानी अल्फ़ा बीटा जो वेक्टर है वो भी का एलिमेंट है। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे करेंगे प्रूफ, ए अल्फ़ा माइनस बीटा, तो क्या ये होगा, देखो आप वेक्टर स्पेस में प्लस के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन ला पड़े हो, ठीक है, ये माइनस के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन लो नहीं पड़े हो। तो मैं इसको लिखता हूँ, ध्यान देना, ए अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, अब इस पे तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड हो सकता है, तो देखो क्या मिलेगा, ए अल्फ़ा प्लस ए माइनस बीटा। ठीक है, अब देखो वो जब आप थर्ड प्रॉपर्टीज कर रहे थे तो उसमें क्या था, ए था स्केलर और ये वेक्टर था, माइनस अल्फ़ा वेक्टर था, तो इसको किस रूप में आप लिखते थे, माइनस ए अल्फ़ा ये लिखते थे ना, थर्ड प्रॉपर्टी याद करो लिखते थे। तो ये देखो बीटा जो है वेक्टर है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ए अल्फ़ा प्लस माइनस ए बीटा। ठीक है, अब यही जो है माइनस बाहर आ जाएगा, तो ए अल्फ़ा माइनस ए बीटा, देखो यही तो लाना था, तो आपका आ गया ये रिजल्ट। ठीक है, तो ये वेक्टर स्पेस की आपकी प्रॉपर्टीज हुई। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, जो सारी चीज़ें ये प्रॉपर्टीज़ में लगी हैं, दो चीज़ें देखो इम्पोर्टेंट है, किसी भी वेक्टर में हम जीरो वेक्टर का ऐड करते हैं तो वापस से वही वेक्टर मिलता है, अगर किसी भी वेक्टर में हम उसी वेक्टर का इन्वर्स ले लें तो हमें क्या मिलता है, जीरो वेक्टर मिलता है। तो आप तो चाहो, कई बार मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में कुछ एग्जांपल करेंगे और जो भी एक्सरसाइज होगा उसके क्वेश्चन करेंगे। तो इस लेक्चर में अभी तो यहीं यहीं तक रहने देते हैं।